हेलो फ्रेंड्स, एमके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चा हमारी इस वीडियो को देख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे और कमेंट करे और शेयर भी करे ज़्यादा से ज़्यादा। आज का टॉपिक है हमारा तत्सम और तद्भव। जो आज पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर है बी, 4। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम जो का तो प्रयोग में लाते हैं, इसका आंसर है ए, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? इसका आंसर है डी, पशु। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? इसका आंसर भी डी है, जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रूढ़ शब्द का कौन सा है? इसका आंसर है डी, वैभव। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? इसका आंसर है ए, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट शब्द है, इसका आंसर है डी, विदेश सज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? इसका आंसर है डी, लोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द का क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है बी, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? इसका आंसर है सी, विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है डी, गलत हो गया, इसका आंसर बी है, समानार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक शब्द कौन सा है? इसका आंसर है बी, पाठशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? इसका आंसर है ए, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? इसका आंसर है सी, लंबोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसका आंसर है बी, गोधूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसका आंसर भी बी है, मुंह। नेक्स्ट क्वेश्चन सोलहवा, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसका आंसर है बी, मुंह। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर है बी, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द देशज नहीं है? इसका आंसर है डी, पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है? इसका आंसर है सी, देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वकील किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर है बी, अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर है चीनी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? वीडियो को शेयर भी करें, इसका आंसर है बी, अंग्रेजी। संस्कृत शब्द का अर्थ है?
इसका आंसर है डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द है, इसका आंसर है डी, संकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वानर का तद्भव रूप है, इसका आंसर है बी, बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन का तद्भव रूप है, इसका आंसर है बी, दर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, इसका आंसर है ए, उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील शब्द है, इसका आंसर है डी, विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मग ही शब्द है, इसका आंसर है तत्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि शब्द है, इसका आंसर है ए, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोटा शब्द है, इसका आंसर है सी, देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल किस प्रकार का शब्द है, इसका आंसर है ए, रूड। इसका आंसर है रूड, जिसके टुकड़े ना हो सके। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है, इसका आंसर है बी, इसका आंसर है यौगिक, जो दो शब्दों से मिलकर बना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशानन किस प्रकार का शब्द है, इसका आंसर है सी, योग रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए, इसका आंसर है डी, घोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, इसका आंसर है डी, कैची। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इसका आंसर है बी, वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्भव नहीं है, इसका आंसर है ए, तस्कर, गर्धव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गधा का तत्सम रूप है, इसका आंसर है बी, सॉरी बच्चा ये गलत हो गया, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय का तत्भव शब्द है, इसका आंसर है ए, पिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इसका आंसर है डी, नेह। निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव शब्द है, इसका आंसर है ए, पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्ष का तत्भव रूप है, इसका आंसर है सी, पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसका आंसर है डी, हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, इसका आंसर है डी, विस्मय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्भव शब्द का चयन कीजिए, इसका आंसर है बी, नीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव नहीं है, इसका आंसर है बी, साय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल, एकल का मतलब है अकेला, एकल शब्द का तत्भव शब्द है, इसका आंसर है सी, अकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, करपट, करपट का मतलब होता है कपड़ा, करपट शब्द का तत्भव शब्द है, इसका आंसर है सी, कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवट शब्द का तत्भव रूप है, इसका आंसर है बी, केवट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरद शब्द का तत्भव रूप है, वीडियो को शेयर भी कीजिए, इसकी गीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, इसका आंसर है डी, मक्खी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है, इसका आंसर है सी, हरिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लास शब्द का तत्सम रूप है,
इसका आंसर है डी उल्लास, जो नाक में को छींक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल शब्द का तत्सम रूप है, इसका आंसर है सी नारिकेल।